JUI फे के तर्जुमान जलील जान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े से मुतालिक जानते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन आई है जलील साहब, बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा, इस वाक़े से पहले तो हम इजहार अफसोस करेंगे आपके साथ कि JUI फे का वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन था जहाँ पर ये नुकसान हुआ, जानी नुकसान की इतलात है और कई जख्मी भी हैं इसके नतीजे में। अब आप तक इस वाक़े से मुतालिक क्या इन्फॉर्मेशन आई अब तक? इस्लाम सुबह खैबर पुख्तनख्वा की तरफ से इस वाक़े पर इंतहाई दुख हो रहे हैं जो हम का इजहार करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुसलसल चार साल से JUI के रहनुमाओं कारकुनों को टारगेट किया जा रहा है। ये बाजोड़ वो इलाका है जहाँ पे जमीयत एक मजबूत कुव्वत के तौर पर उभरी हुई है, वहाँ पे तहसील नाजमीन भी हमारे हैं, लेकिन जहाँ पर आज जो पुरमन तरीके से जलसा हो रहा था, वर्कर कन्वेंशन हो रहा था और वहाँ की कुछ अमायदीन JUI में शमूलियत करने वाले थे, एन उस मौके पर एक धमाका हुआ और हमारे कई मकामी कायदीन और कारकुनान और अंसार इस्लाम के साथी शहीद हुए हैं। तकरीबन 20 से 30 लोग शहीद हुए हैं। अच्छा। और 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं। अस्पतालों की ये हालत है कि वहाँ पे न डॉक्टर है ना बाजोड़ में इंतजामिया मौजूद है। एक चैनल ने मुझे बताया कि हमारे रबते हुए हैं वहाँ पे, मुहर्रम गुजरने के बाद सारे लोग छुट्टियों पर थे, डॉक्टर भी नहीं है और सुना है कि वहाँ पे मकामी इंतजामिया भी नहीं थी, छुट्टी पर थे। बहरहाल इतना बड़ा जलसे के लिए बाकायदा इंतजामिया को चाहिए था कि वो सिक्योरिटी के प्लान करता। तो सर, सिक्योरिटी प्लान को आप लोग खुद मॉनिटर नहीं कर रहे थे क्या? जब ये एक वर्कर कन्वेंशन किया जाता है तो उस जमात की जानिब से खुद भी कंफर्म किया जाता है कि सिक्योरिटी लैप्स ना हो कहीं पर? जी जी, हमारे रजाकार तो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन ये ज्यादा जिम्मेवारी तो सिक्योरिटी इदारों की बनती है ना कि वो हमें क्लियर देते कि यहाँ पे अमन अमान का मसला है, न करें या यहाँ पे इस तरह सूरत हाल है। लेकिन हमने तो मुसलसल यहाँ पे जलसे भी किए, जुलूस भी किए, मुजाहरे भी किए। अभी स्वीडन के खिलाफ मुजाहरा हुआ है चंद दिन पहले। लेकिन चार साल से जो टारगेट किलिंग हो रही है, इस हवाले से हम समझते हैं कि इस तरफ मुतवज्जो जाना चाहिए हुक्मरानों को कि ये मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर क्यों फैलाई जा रही है। एक बैन अल-अक़वामी साजिश के तहत मुल्क को इस आदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा रहा है और दहशतगर्दी की तरफ ले जाया जा रहा है। तो इन हालात में जमीयत उलमाए इस्लाम का जो नुकसान हुआ है, जो साने हुआ है, बहुत बड़ा साने हुआ है, यकीनन बहुत बड़ा साने है। जलील साहब, ये कहिएगा, जिस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट वहाँ पे एजेंसीज मौजूद हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनसे यकीनन आप लोग रबते में भी होंगे, जाए वो कुआ पर इस वक्त तहकीकात भी की जा रही हैं, उनके थ्रू कुछ मालूम हो सका ये धमाका किस नोयत का था, प्लांटेड था या फिर ये खुद कुछ धमाका है? जनाब, ये सूरत हाल तो वहाँ का DPI बताएगा, वहाँ का DC बताएगा, वहाँ का DIG बताएगा। हमें तो जो सूरत हाल है वो जलसा एन उरूज पर था, कुर्सियां कम पड़ गई थी और कुर्सियां ला रहे थे, 1000 से ज्यादा लोग वहां पे जमा हो चुके थे और मजीद आ रहे थे। तो हमारे वहां पे जो मकामी मौलाना लाइक साहब हैं वो स्टेज पे खड़े थे, तकरीर कर रहे थे। इस दौरान धमाका हुआ और मौलाना जमालुद्दीन MNA जो है वो जलसगा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और तो सेनेटर हमारे हमदुल्ला साहब ने आना था, लेकिन तो सर, इस इवेंट से पहले कोई थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था, कुछ इस तरह का कुछ मौसूल हुआ होगा आपको इससे मुतालिक? हमें इस तरह की कोई इत्तला नहीं दी गई, ना हमें कहा गया कि जलसा ना करें, ना हमें इस किस्म के कोई हालात से उन्होंने आगाह किया। लेकिन एक सूरत हाल है कि चार साल से यहाँ पर हमारे कारकुनों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। एक मनसूबे के तहत हमें चूंकि बाजोड़ एक जमीयत उलमाए इस्लाम का गढ़ है और यहाँ के जो नाजिमीन है, तहसील नाजिमीन है, वो भी JUI से तलक रखते हैं और लोगों की दरअसल शमूलियतें भी जो है वो एक जमीयत उलमाए इस्लाम को मजीद मकबूलियत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन समझ नहीं आ रही कि आज इतना अहम प्रोग्राम वर्कर कन्वेंशन में और इतनी छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा लोगों की तादाद और सिक्योरिटी को अलर्ट रखना चाहिए था, जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम आए दिए, इसलिए ये सानहा पेश आ गया। स्पोक्स पर्सन टू JUI फे जलील जान हमारे साथ मौजूद थे, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रहे थे। शुक्रिया आपका। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसा कर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।